छगन, एक नए चैप्टर को लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूं। गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः आपका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, छगन मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक अति महत्वपूर्ण अध्याय भक्ति आंदोलन को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। मध्यकालीन सामाजिक एवं सुधार आंदोलन के तहत, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के तहत भक्ति आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। छगन, भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का प्रयास किया, हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को, अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया, और सबसे बड़ी बात कि इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छगन, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों लगभग एक समान दौर के हैं और दोनों को अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे भक्ति आंदोलन को, ध्यान रखेंगे, हेडिंग बनेगा भक्ति आंदोलन, लिखे, हेडिंग बन गया छगन लाल यहाँ कलम से, अब लिखेंगे दिग्दर्शन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, इतिहास में हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, कॉमा, हिंदू धर्म के खोए हुए गौरव को फिर से प्राप्त करने के लिए, फिर से प्राप्त करने के लिए, के लिए भक्ति आंदोलन धार्मिक संतों के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आंदोलन ने धार्मिक आडंबरों, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों को दूर करने में भी सफलता हासिल की थी तथा हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच नफरत की खाई को पाटने का भी काम किया था। नेक्स्ट, तीर्थ, भक्ति आंदोलन के संतों को हम दो विचारधारा में विभाजित करते हैं। नंबर एक, सगुण विचारधारा, सगुण विचारधारा। नंबर दो, निर्गुण विचारधारा। अब लिखेंगे छगन, सगुण विचारधारा, लिखिए, इस विचारधारा के संतों की मुख्य विशेषताएं निम्न थी। इस विचारधारा के संतों की मुख्य विशेषताएं निम्न थी। नंबर एक, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। नंबर दो, इनके कोई ना कोई इष्ट देव या आराध्य देव होते थे, इनके कोई ना कोई इष्ट देव या आराध्य देव होते थे। नेक्स्ट,
ये धार्मिक कर्मकांड जैसे यज्ञ विधि विधान में विश्वास करते थे, यज्ञ विधि विधान में विश्वास करते थे थे। अब लिखिएगा शब्द नंबर 2, निर्गुण विचारधारा लिखेंगे छतगन। इस विचारधारा के संतों की मुख्य विशेषताएं निम्न थी, के संतों की मुख्य विशेषताएं निम्न थी। नंबर 1, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। नंबर 2, ये धार्मिक कर्मकांड आडंबरों यज्ञ एवं विधि विधान के विरोधी थे। नेक्स्ट नंबर 3, ये ईश्वर को निराकार मानते थे तथा मूर्ति पूजा के विरोधी थे। नेक्स्ट, ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। अब हनी मनी का छतगन, सगुण विचारधारा के प्रमुख संत लिखेंगे छतगन। नंबर 1, शंकराचार्य लिखेंगे। ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे। नेक्स्ट, इन्हें भारत में भक्ति आंदोलन का संस्थापक एवं प्रणेता कहा जाता है। संस्थापक एवं प्रणेता कहा जाता है। इनका जन्म 788 ईस्वी सन में केरल के कलादी नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट, इन्होंने अपने अनुयायियों को अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया था जिसका अर्थ ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या होता है होता है। नेक्स्ट, तीर का निशान। शंकराचार्य ने
हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए भारत के चार दिशाओं में चार पीठों की या शाखाओं की स्थापना की थी, जिसे निम्न रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। बनाएंगे छात्रगण, चारों पीठों को छतगन इस तरीके से बनाएंगे। उत्तर दिशा के पीठ है ज्योतिष पीठ, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है छतगन। दक्षिण दिशा के पीठ है सिंगेरी पीठ, मैसूर कर्नाटक में है। पूर्वी दिशा के पीठ गोवर्धन पीठ, पूरी उड़ीसा में है। पश्चिम दिशा के पीठ सादा पीठ, द्वारिका गुजरात में है। बहुत ही हिट क्वेश्चन है छतगन, जबरदस्त रूप से आता है। क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। भक्ति आंदोलन मध्य काल में हुआ था, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, हिंदू धर्म की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करने के लिए। छतगन, भक्ति आंदोलन के संतों को हम दो भागों में बांटते हैं, सगुण विचारधारा के संत, निर्गुण विचारधारा के संत। सगुण विचारधारा क्या है छतगन? ऐसे संत जिनका कोई ना कोई आराध्य देय होता था, जैसे तुलसीदास जी राम के भक्त थे, सूरदास जी कृष्ण के भक्त थे, मीराबाई कृष्ण की भक्त थी, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के भक्त थे, इनका कोई ना कोई आराध्य देव होता था। ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे छतगन, ये धार्मिक कर्मकांड यज्ञ विधि विधान में विश्वास करते थे, है ना। और ये जो है ईश्वर में आस्था रखते थे, इसलिए ये सगुण विचारधारा के संत थे। दूसरा है निर्गुण विचारधारा का संत, के संत ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ये ईश्वर को निराकार मानते थे, ये धार्मिक आडंबरों कर्मकांड यज्ञ विधि विधान का विरोध करते थे, ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, ईश्वर एक है चाहे तुम उसे किसी भी रूप से पुकारो, किसी भी नाम से पुकारो। छतगन, ये दोनों के अंतर को याद रखिएगा कि निर्गुण विचारधारा और सगुण विचारधारा में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन सगुण आइडियोलॉजी एंड निर्गुण आइडियोलॉजी। तो निर्गुण विचारधारा मूर्ति पूजा का विरोधी है, सगुण विचारधारा मूर्ति पूजा का समर्थक है। सगुण विचारधारा में संतों का कोई ना कोई आराध्य देव है, जैसे तुलसीदास जी के नाम, लेकिन निर्गुण विचारधारा के संतों के कोई ना कोई आराध्य देव नहीं है। ध्यान रखेंगे छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण। भक्ति आंदोलन का प्रणेता किसे कहा जाता है? शंकराचार्य। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? शंकराचार्य ने की थी। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम संत कौन थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के? शंकराचार्य थे। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? 788 ईस्वी सन में केरल के कलादी नामक गांव में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। 788 ईस्वी सन में केरल के कलादी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। छगन, इन्होंने अपने अनुयायियों को अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया था। पूछेगा, शंकराचार्य ने अपने अनुयायियों को कौन सा मत या विचारधारा दिया था? अद्वैतवाद। क्या होता है अद्वैतवाद? अद्वैतवाद का अर्थ होता है छतगन, ईश्वर सत्य है, गॉड इज ट्रूथ, और जगत मिथ्या है, जगत केवल दिखावा है, संसार केवल दिखावा है, ईश्वर ही अंतिम सत्य है, यही होता है अद्वैतवाद मत। ध्यान रखेंगे छतगन। छतगन, शंकराचार्य भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे, इन्होंने अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया था। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी सन में केरल के कलादी नामक गांव में हुआ था। छतगन, शंकराचार्य संस्कृत और मलयालम में अपना भाषण देते थे, ये हिंदी नहीं जानते थे। छतगन, शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, उसकी मान सम्मान को बढ़ाने के लिए
उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करने के लिए भारत के चार दिशाओं में चार पीठ या शाखाओं की स्थापना की थी, जिसको आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए मैंने इसको जो है ज्योग्राफी का रूप दे दिया है। ये समझ लीजिए कि इंडिया का मैप है ना छात्रगण। और यही इंडिया के मैप के द्वारा आपको याद रखना होगा कि उत्तर दिशा के पीठ का नाम है ज्योतिष पीठ, जो कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। दक्षिण दिशा के पीठ का नाम है श्रृंगेरी पीठ, जो कि मैसूर कर्नाटक में है। पूर्वी दिशा के पीठ का नाम गोवर्धन पीठ, पूरी उड़ीसा में है। और पश्चिम दिशा का पीठ का नाम शारदा पीठ, द्वारिका गुजरात में है। छतगन आपको क्वेश्चन आएगा, खंड का को खंड खा से मिलाएं। खंड का में देगा शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ, खंड खा में देगा स्थान, इधर देगा ज्योतिष पीठ, श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, उधर देगा स्थान द्वारिका, पूरी, मैसूर, बद्रीनाथ। अब लेकर गंगा जमुना को मिलाइए तो अब आप जानिएगा ही नहीं छतगन कि गोवर्धन पीठ कहाँ है तो पूरी में है, शारदा पीठ कहाँ है तो द्वारिका में है, ज्योतिष पीठ कहाँ है तो बद्रीनाथ में है, श्रृंगेरी पीठ कहाँ है तो मैसूर में है। तब तक क्वेश्चन आपसे हल नहीं होंगे। किन किन राज्यों में उसे भी जानना होगा छतगन। शारदा पीठ गुजरात में है, गोवर्धन पीठ उड़ीसा में है ना, ज्योतिष पीठ उत्तराखंड में है और श्रृंगेरी पीठ कर्नाटका में है छतगन। इसलिए आपको इस चार्ट को याद रखना होगा, सत्तू की तरह खोल करके छात्रगण पी जाए आप, ध्यान देंगे, मनन करेंगे और एक एक चीजों को छात्रगण अध्ययन करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है छात्रगण, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा छात्रगण। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, याद रखना होगा, मनन करना होगा और अध्ययन करना होगा और एक एक चीजों को ध्यान देना होगा छात्रगण। शंकराचार्य के बाद हम लोग जिस संत के बारे में आ रहे हैं उनका नाम है रामानंद। हैंडिंग बनाइएगा अपने नोट्स कॉपी में, रामानंद देखिए। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था। नेक्स्ट, ये भक्ति आंदोलन के ऐसे प्रथम संत थे, ऐसे प्रथम संत थे जिन्होंने अपना प्रवचन हिंदी भाषा में दिया था, जिन्होंने अपना प्रवचन हिंदी भाषा में दिया था। नेक्स्ट, तेरहवां, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को है। नेक्स्ट, रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे जिनमें कुछ प्रमुख शिष्यों का वर्णन निम्न है। नंबर एक, कबीरदास। देखिए, ये पेशे से जुलाहा या कपड़ा बुनकर थे, जुलाहा या कपड़ा बुनकर थे। नेक्स्ट, नंबर दो, रविदास या रैदास। रविदास या रैदास, ये पेशे से मोची या चमार थे। नेक्स्ट, धन्ना या पेशे से जाट किसान था,
जाट किसान था, किसान था। नेक्स्ट, पीपा, पीपा यह राजपूत सैनिक या योद्धा था। राजपूत अथवा का साइन सैनिक या योद्धा था। नेक्स्ट, सेना, सेना यह नाई, नाई या ठाकुर था, ठाकुर था। नेक्स्ट, साधना, साधना यह पेशे से कसाई था। कसाई था। चरण क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। रामानंद का संबंध भारत के किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से है। छगन, भक्ति आंदोलन का वह पहला संत कौन था जिसने हिंदी में अपना प्रवचन दिया था? रामानंद थे। भक्ति आंदोलन के वह प्रथम संत कौन थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का शानदार कार्य किया था? रामानंद थे। रामानंद के कितने प्रमुख शिष्य थे? 12। छगन, इन 12 शिष्यों में से जो प्रमुख 6 शिष्य हैं, मैंने उनका नाम आपको लिखाया है, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीरदास पेशे से जुल्हा या कपड़ा बुनकर थे। रविदास या रैदास पेशे से मोची या चमार थे। धन्ना पेशे से जाट किसान थे। पीपा, छगन ये पेशे से जो है कबीरदास की तरह जो है ये कपड़ा बुनकर नहीं थे, लेकिन ये राजपूत थे, सैनिक थे, योद्धा थे। सेना ये पेशे से ठाकुर या नाई थे। और साधना ये पेशे से कसाई थे। छगन पूछेगा रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। रामानंद के निम्न शिष्यों को उनके पेशे के अनुसार खंड क को खंड ख से मिलान करें। ऑप्शन देगा कबीरदास, रैदास, साधना और चौथा दे देगा पीपा। और दे देगा उनका पेशा, बोलेगा मिलाइए। तो छगन, अब जब तक नहीं जानिएगा कि कबीरदास जी पेशे से क्या थे, तो कपड़ा बुनकर या जो है जुलाहा थे। रविदास या रैदास क्या थे? मोची थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मीराबाई के गुरु संत रविदास या रैदास थे। धन्ना जाट किसान थे। पीपा राजपूत थे, सैनिक थे, योद्धा थे। सेना नाई थे, ठाकुर थे, बाल काटने का काम करते थे। और साधना कसाई थे। यानी कि सभी जातियों का समागम इन्होंने किया था और जाति प्रथा पर कुठाराघात किया था। छतगण संत रामानंद ने, ध्यान रखिएगा। तो छतगण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, संत रामानंद भी, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इस पर भी आपको पैनी निगाहें रखनी होगी और एक एक चीजों को ध्यान रखना होगा। अगले संत का नाम लिखिएगा छतगण, सगुण विचारधारा के संत तुलसीदास। तुलसीदास लिखे, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। नेक्स्ट, तुलसीदास के पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी देवी तथा पत्नी रत्नावली थी। रत्नावली थी। नेक्स्ट, तुलसीदास
भगवान राम के परम भक्त थे। नेक्स्ट, तुलसीदास ने अवधी भाषा में निम्न प्रमुख ग्रंथों की रचना की थी। नंबर एक, रामचरितमानस, रामचरितमानस। नंबर दो, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। नंबर तीन, कवितावली, कवितावली। नंबर चार, दोहावली। नंबर पांच, रत्नावली। नेक्स्ट, गीतावली। वैराग्य, कौमा, संदीपनी, संदीपनी। नेक्स्ट, तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे, अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। छगन का सवाल आगे बहुत कीजिएगा, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, यानी कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। माता का नाम क्या था? तुलसी देवी। पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। ध्यान रखेंगे, तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? भगवान राम थे। गौर कीजिएगा, तुलसीदास ने किस भाषा का प्रयोग किया था? अवधी भाषा का प्रयोग किया था। अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने कौन सा प्रमुख ग्रंथ लिखा था? रामचरितमानस। छगन, रामचरितमानस हो, विनय पत्रिका हो, कवितावली हो, दोहावली हो, रत्नावली हो, ये सारे पुस्तकों के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास जी हैं। अवधी भाषा में इन्होंने लिखा था, ध्यान रखिएगा। इनके आराध्य देव का क्या नाम था? भगवान राम, है ना, इसलिए इन्होंने लिख दिया रामचरितमानस। तो छतगन, तुलसीदास जी को भी आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को गौर करना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक चीजों को ध्यान देंगे, तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए ग्रंथों को याद रखेगा, कवितावली, दोहावली, रत्नावली, विनय पत्रिका, है ना, रामचरितमानस, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, गौर करेंगे छतगन। अगले संत का नाम लिखेगा सूरदास, सूरदास। देखिए, ये एक अंधे संत थे, नेक्स्ट, ये भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, नेक्स्ट, इन्होंने भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए हुए ब्रज भाषा में सूर सागर और साहित्य लहरी, सूर सागर और साहित्य लहरी जैसे ग्रंथों की रचना की थी, रचना की थी। नेक्स्ट, सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया, कर दिया। छगन, तुलसीदास जी अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी और एक महान आध्यात्मिक संत थे जिन्होंने भगवान राम का सुखद चरित्र चित्रण किया था। छत्रपति तुलसीदास जी के बाद हम लोग सूरदास जी के बारे में जो है जानेंगे। सूरदास जी, हेडिंग बनेगा आपका सूरदास, लिखेगा ये जन्म से अंधे थे, इन्होंने
सूर सागर और साहित्य लहरी की रचना ब्रज भाषा में की थी, ब्रज भाषा में की थी। नेक्स्ट, अगले संत का नाम लिखेंगे छतगन, चैतन्य महाप्रभु। लिखिए, इनका संबंध बंगाल के इनका संबंध बंगाल के नदिया जिले से था, नेक्स्ट, इनके निम्न नाम थे, निमाई पंडित, विशेश्वर, विद्यासागर इत्यादि। ये कृष्ण के भक्त थे, नेक्स्ट, इन्हें गौरांग स्वामी भी कहा जाता है, नेक्स्ट, इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी, संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट, इन्होंने भारतीय इतिहास में पहली बार कीर्तन प्रणाली या संकीर्तन प्रथा की शुरुआत की थी, जो वर्तमान में भी जारी है। इनके दार्शनिक सिद्धांतों को अचिंत्य भेदभाव के नाम से जाना जाता है। इन्होंने उड़ीसा के पुरी में 2 दशकों तक भगवान जगन्नाथ की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया था। छतगन, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहां से था? बंगाल के नदिया जिले से था। छतगन, चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई पंडित, उसके बाद विशेश्वर, उसके बाद विद्यासागर रखा गया था। पूछेगा किस संत का नाम निमाई पंडित विशेश्वर एवं विद्यासागर था? चैतन्य महाप्रभु का नाम था, ध्यान रखिएगा। ये अत्यंत गोरे थे, इसलिए इन्हें इनके अनुयायी गौरांग स्वामी भी कहकर पुकारते थे। गोरे अंगों के स्वामी चैतन्य महाप्रभु थे छतगन, ध्यान रखिएगा। छतगन, ये भगवान कृष्ण के भक्त थे, इनके द्वारा प्रतिपादित विचारधाराओं को अचिंत्य भेदभाव कहा जाता है। भारतीय इतिहास में पहली बार
कीर्तन प्रणाली या संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता चैतन्य महाप्रभु थे। छतगण कीर्तन प्रणाली या संकीर्तन प्रथा की शुरुआत चैतन्य महाप्रभु ने ही की थी, जो कि वर्तमान में भी कीर्तन प्रणाली हरे कृष्णा हरे रामा जो हम लोग करते हैं, ये क्या है? कीर्तन है छतगण। और ये कीर्तन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? चैतन्य महाप्रभु ने की थी। छतगण भगवान कृष्ण के इस महान भक्त ने 2 दशकों से भी ज्यादा अपना समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की सेवा में बिताया था। इसे भी छतगण आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट आइएगा छतगण, मीराबाई। मीराबाई देखिए, ये कृष्ण की परम भक्त थी। इनका जन्म राजस्थान के मेलता नामक स्थान में हुआ था। इनके गुरु संत रविदास या रैदास थे। संत रविदास या रैदास थे। नेक्स्ट, मीराबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा शांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। नेक्स्ट, मीराबाई के पिता का नाम राणा रतन सिंह था। नेक्स्ट, मीराबाई के पति की अचानक मृत्यु हो गई, जिसके कारण मीराबाई ने श्री कृष्ण की आराधना अपने पति के रूप में की थी। इन्होंने ब्रज भाषा में भगवान श्री कृष्ण पर अनेक कविताओं की रचना की थी। छतगण राजस्थान के मेलता नामक स्थान की राजपूत रानी मीराबाई को कौन नहीं जानता। राणा रतन सिंह की पुत्री, विवाह हुआ मेवाड़ के राणा शांगा के पुत्र भोजराज के साथ, पति की असामयिक मृत्यु हो गई, अचानक मृत्यु हो गई, भगवान श्री कृष्ण को ही पति मान करके आराधना करने लग गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तुमसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। अनूप जलोटा का भजन आपने सुना होगा, मीराबाई को केंद्रित करके लिखा गया। छतगण ध्यान देंगे, छतगण मीराबाई ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में की है, भगवान कृष्ण की परम भक्त थी मीराबाई, ध्यान देंगे। छतगण मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति में अपने आप को डुबो दिया था, विष का प्याला भी अमृत बन गया था। चमत्कार को नमस्कार। छतगण मीराबाई का जीवन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, जिसे आपको ध्यान रखना होगा। छतगण मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रविदास। एक राजपूत महारानी के गुरु पेशे से मोची या चमार थे। इससे यह पता चलता है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, है ना। विद्वता की पूजा होती है, जाति की पूजा नहीं होती है छतगण, है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। अगले संत का नाम लिखेंगे छतगण, रामानुजाचार्य लिखिए। इनका जन्म तमिलनाडु के पेरम्बूर नामक स्थान में हुआ था।
नामक स्थान में हुआ था। ये भगवान राम के उपासक थे। ये भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक संत थे। संत थे। छटकन क्या सवाल आएंगे, गौर कीजिएगा। रामानुजाचार्य का संबंध कहां से था? दक्षिण भारत से था। मद्रास के निकट श्री परम्बू नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। ये किसके परम भक्त थे? भगवान राम के परम भक्त थे। इसे भी आपको छटकन याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखेगा वल्लभाचार्य। देखिए, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ये श्री कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। इनके अनुयायी अष्ट छाप कहलाते हैं। छत्गन पूछेगा वल्लभाचार्य का संबंध कहां से था? वाराणसी उत्तर प्रदेश से था। वल्लभाचार्य छटगन जबरदस्त रूप से जो है श्री कृष्ण के भक्त थे, और इन्होंने अपने जबरदस्त भक्ति का रूप किया दिया था, जिसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। इसे भी छटगन आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले संत का नाम लिखेंगे छटगन। लिखेगा महाराष्ट्र के प्रमुख संत। लिखे नामदेव। नंबर एक लिखेंगे छटगन नामदेव। लिखे नामदेव अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में डाकू थे। ये भगवान कृष्ण के उपासक थे। इनकी वाणी सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है। नेक्स्ट अगले संत का, महाराष्ट्र के संतों का नाम लिखेंगे छटगन रामदास। ये शिवाजी के आध्यात्मिक या धार्मिक गुरु थे। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ दास बोध की रचना की थी।
नेक्स्ट, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर लिखे, इन्होंने भगवद गीता पर टीका, भगवद गीता पर टीका मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी के नाम से लिखा था, ज्ञानेश्वरी के नाम से लिखा था, लिखा था। इन्होंने महाराष्ट्र में रहस्यवादी संप्रदाय की स्थापना की थी, रहस्यवादी संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, एकनाथ, अगले संत का नाम लिखेंगे, छत्रगण महाराष्ट्र के संत लगातार आप पढ़ रहे हैं, एकनाथ लिखिए, इन्होंने ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद बाद में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। ये भगवान कृष्ण के भक्त थे, भक्त थे। नेक्स्ट, संत तुकाराम, तुकाराम लिखे, ये शिवाजी के समकालीन थे, थे। इन्होंने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, निभाई थी। तो ये है छतगण भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और महाराष्ट्र के प्रमुख संत। अब कुछ और संतों के बारे में भी हम लोग जानेंगे, निम्बकाचार्य से लेकर के माधवाचार्य से लेकर के हम लोग जानेंगे, ऐसे संत जिन्होंने वैष्णो जन तो तेने कहिए जी का रचना की था, किया था, गुजरात के नरसिंह मेहता जी, असम का चैतन्य महाप्रभु शंकर देव को कहा जाता है, उनसे भी आपकी मुलाकात होगी और इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे भी छात्रगण अगली कक्षाओं में। आप लोगों से भक्ति आंदोलन के अन्य संतों के साथ साथ निर्गुण विचारधारा के संतों से भी हम लोगों की मुलाकात होगी, कबीरदास, दादू दयाल है ना, और संत रविदास, ये सब निर्गुण विचारधारा के संत थे, इन सबों से हम लोगों की मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों आशीर्वाद।